स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 15 नवंबर को पोलैंड का शेवडोव गांव अचानक एक मिसाइल स्ट्राइक का शिकार बना। यूक्रेनियन बॉर्डर से 6.4 किलोमीटर वेस्ट में बसे इस गांव पर हुए अटैक के चलते दो पोलिश सिटीजन्स की जान चली गई। इनिशियली निशाने का तीर रशिया पे ताना गया। वेस्टर्न सपोर्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज आउटलेट्स दावा करते रहे कि पोलैंड का हमला रशिया के कंटिन्यूस और अग्रेसिव मिसाइल अटैक्स का नतीजा था। इस नैरेटिव के पीछे लॉजिक ये था कि अपने रीसेंट सेटबैक्स के बदले में रशिया नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को प्रवोक कर इस वॉर को एस्केलेट करना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलैंड एक नेटो मेंबर है और इस मिलिट्री अलायंस के आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी भी मेंबर पे एक आर्म्ड अटैक पूरे नेटो के खिलाफ अटैक माना जाएगा। लेकिन जल्द ही एक दूसरी कहानी सामने आने लगी। अगले दिन पोलिश प्रेसिडेंट एंड्रजे डुडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया कि पोलैंड को हिट करने वाला मिसाइल मोस्ट पॉसिबली यूक्रेन की तरफ से फायर किया गया एक एयर डिफेंस मिसाइल था जो रशियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते वक्त गलती से पोलैंड पे आ गिरा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि यूक्रेन के द्वारा ये पोलैंड पे कोई इंटेंशनल अटैक नहीं था, बावजूद इसके कि फायर किया गया मिसाइल रशियन मेड S-300 रॉकेट था। दरअसल यूक्रेनियन फौज भी S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तरह रशियन मेड म्यूनिशंस यूज करती है। इनफैक्ट वो आज भी सोवियत एरा आर्म्स और एम्यूनिशंस पे हैवली डिपेंडेंट है। वैसे डुडा अकेले नहीं है जिन्होंने पोलैंड के इंसिडेंट को यूक्रेन फोर्सेस द्वारा किया गया एक एक्सीडेंटल अटैक कहा है। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा कि रशिया द्वारा पोलैंड पे डायरेक्ट अटैक अनलाइकली था। स्टॉल्टनबर्ग ने इस बात पे भी एम्फसाइज किया कि ऐसे कोई इंडिकेशंस अब तक सामने नहीं आए हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि रशिया नेटो कंट्रीज पे हमला प्लान कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक तरफ जहां इस मिसाइल अटैक का रिलेशन रशिया से नहीं पाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये बात भी साफ है कि यूएसए या नेटो कोई भी नहीं चाहता कि आर्टिकल 5 इन्वोक हो और ये वॉर डेंजरसली एस्केलेट कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आ जाए। कुछ एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन द्वारा किया गया एक कैलकुलेटेड अटैक था जिससे नेटो के इन्वॉल्वमेंट को और भी इंटेंसिफाई किया जा सके ताकि सीज फायर या नेगोशिएटेड सेटलमेंट की नौबत ना आए। इनफैक्ट जिस दिन पोलैंड पर अटैक हुआ उसी दिन साउथ यूक्रेन के ज़ेपोरोजिया में सिचुएटेड रशियन ऑक्युपाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट में कई पावरफुल एक्सप्लोजन्स रिकॉर्ड किए गए। वैसे तो यूक्रेन दावा कर रहा है कि अटैक्स रशिया ने ही करवाए हैं, लेकिन पोलैंड वाले इंसिडेंट के बाद ये क्लेम कंसिडरेबली वीकन हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन के इस डेस्परेशन के पीछे क्या कारण है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30th of November मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, फरवरी इन्वेजन के कुछ ही महीनों बाद रशियन एडवांसेस और बढ़ते यूक्रेनियन कैजुअलिटीज के चलते वेस्ट को लेकर ज़ेलेंस्की का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन सामने आने लगा। वो रशिया के खिलाफ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक सैंक्शंस की मांग करने लगे। पिछले कुछ हफ्तों में रशिया द्वारा हैवी बम्बार्डमेंट और वेस्ट के कॉशियस अप्रोच को लेकर नेचुरली ज़ेलेंस्की का कंप्लेन बढ़ता जा रहा है। उनके मुताबिक वेस्ट को डिटर करने के लिए रशिया अपने न्यूक्लियर थ्रेट्स इसलिए इंटेंसिफाई कर रहा है ताकि वो यूक्रेन को अपने पीस प्रपोजल के लिए राजी होने पे मजबूर कर सके। लेकिन ज़ेलेंस्की का मानना है कि इस स्टेज पे कोई भी नेगोशिएटेड सेटलमेंट यूक्रेन को बैकफुट पे डाल सकता है। यही कारण है कि यूक्रेन ने एक इटालियन पीस प्रपोजल और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के सजेशन को रिजेक्ट कर दिया। और तो और, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
हेनरी किसिंगर को भी यूक्रेन से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जब उन्होंने कहा कि यूक्रेन को टेरिटोरियल कंसेशंस पे विचार करना चाहिए। ज़ेलेंस्की तुरंत से 1938 की सिचुएशन से कंपेयर करने लगे जब यूरोपियन पावर्स हिटलर के एग्रेशन को चेक करने के लिए चेकोस्लोवाकिया के कुछ पार्ट्स पे नाजी जर्मनी के कंट्रोल को अलाउ कर देती हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि वेस्ट इंक्लूडिंग यूरोप इस वॉर में इंगेज रहे और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दोस्तों वेस्टर्न पावर्स के रोल को लेकर ज़ेलेंस्की के फ्रस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को समझना होगा। आइए देखते हैं वो क्या है। दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर का एक मेजर इंपैक्ट यूरोप के एनर्जी नीड्स पे देखा गया क्योंकि वो अपने एनर्जी सप्लाईज के लिए प्राइमरीली रशिया पे डिपेंड करता है। नेचुरली यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद वेस्टर्न पावर्स को भी यूएसए और यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया पे लगाए गए सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स का शिकार बनना पड़ा। 2021 में ईयू के टोटल गैस इंपोर्ट्स का 45% और टोटल गैस कंजम्पशन का 40% रशिया से आया था। वैसे तो इस वॉर के शुरू होते ही यूरोप में रशिया से कोल, ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट्स गिरने लगे, लेकिन रशियन एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स बढ़ते गए। एलएनजी एक चिल्ड लिक्विड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जिसे सी टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट ऑस्लो बेस्ड रिसर्च कंपनी रिस्टार्ड एनर्जी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च और अक्टूबर के बीच रशिया से यूरोप के एलएनजी इंपोर्ट्स 20% तक बढ़ गए थे। आज रशिया दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी प्रोड्यूसर है जहां से यूरोप की टोटल एलएनजी सप्लाई का 15% आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेचुरल गैस और एलएनजी को यूरोपियन सैंक्शंस की लिस्ट से बाहर रखा गया है क्योंकि वो कुछ कंट्रीज के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल जर्मनी जिसने रशिया पे डिपेंड अपने एनर्जी ट्रेड के खातिर इस वॉर में एक कॉशियस डिप्लोमेटिक स्टैंड मेंटेन किया है। ईयू के दूसरे मेंबर स्टेट्स की बात करें तो जर्मनी के बाद इटली रशियन गैस पे हैवली डिपेंडेंट है। रशिया के टोटल नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स का 24% इटली को जाता है। इसके अलावा इस साल रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स का लार्ज सेक्शन फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम को गया। वैसे तो ईयू कंट्रीज अब तक सक्सेसफुली रीस्टॉक कर पाए हैं, लेकिन अगर ये वॉर चलता रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में रशियन पाइपलाइन गैस की सप्लाई सीवियरली रिड्यूस हो जाएगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले समर तक ईयू 30 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस का पॉसिबल शॉर्टफॉल फेस कर सकता है अगर रशिया रिमेनिंग पाइपलाइन फ्लोस को बंद कर दे और एलएनजी के लिए चाइनीज डिमांड बढ़ जाए। ऐसे में नेटो का इस वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और सबसिक्वेंट एस्केलेशन यूरोप के एनर्जी क्राइसिस और उसके चलते कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को भी सीवियरली अफेक्ट करेगा। और जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है बल्कि वर्ल्ड ओवर और खासकर वल्नरेबल इकोनॉमीज में इसका इम्पैक्ट गहरा हो रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर यूरोप इस वॉर को ड्रैग करता रहा तो वेस्टर्न कंट्रोल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर अंडरमाइन होता रहेगा और इसीलिए ज़ेलेंस्की की मर्जी के खिलाफ उसके वेस्टर्न सपोर्टर्स रशिया के साथ सीज फायर या सेटलमेंट के ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि इसके पीछे एक और वजह है और वो है नेटो मेंबर कंट्रीज का बढ़ता वॉर फटीग यानी थकान, जिसके कारण वो अपने मिलिट्री रियोटिक के बदले नेगोशिएशन को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज की रशिया पर यही एनर्जी डिपेंडेंसी अब ज़ेलेंस्की की फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है। उन्हें डर है कि कहीं इस एनर्जी डिमांड के चलते जल्द ही अभी तक जो यूरोपियन देश इस रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को बैकस्टेज सपोर्ट दे रही हैं वो अपना सपोर्ट कहीं वापस विथड्रॉ ना कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन एक माइटी एंड पावरफुल एनिमी के सामने अलग थलग पड़ जाएगा। दोस्तों यूक्रेन को लेकर वेस्ट के एटीट्यूड से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लिया है। रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस और यूक्रेन को सप्लाई किए गए आर्म्स एंड एमुनिशंस के चलते ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई होता जा रहा है। इससे ना सिर्फ ग्लोबली एनर्जी और कॉमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए बल्कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट के बावजूद मॉस्को हायर रेवेन्यूज भी इंजॉय करने लगा। इन बढ़ते प्राइसेस की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं। साथ ही इन कंट्रीज में यूक्रेन वॉर के लिए पब्लिक ओपिनियन भी डिमिनिश होता जा रहा है। यही नहीं, आज इलेक्टोरली यूरोप में रशिया फ्रेंडली राइट विंग पार्टीज का राइज देखा जा रहा है, चाहे वो स्वीडन के कोलिशन में फार राइट का प्रोमिनेंस हो या फिर इटली के जनरल इलेक्शन में राइट पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली लेड कोलिशन की जीत। यहां तक कि पोलैंड, जर्मनी और हंगरी जैसे देश यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के इन्फ्लक्स से डील कर रहे हैं।
और जिस तरह रशिया अपने अटैक्स इंटेंसिफाई कर रहा है, उससे यही लगता है कि रेफ्यूजी की तादाद और भी बढ़ेगी, और बढ़ते रेफ्यूजीज के चलते यूरोपियन पब्लिक में उनके खिलाफ रिजेंटमेंट भी पैदा हो रहा है। उधर अमेरिका की बात करें तो रिपब्लिकन्स को लगता है कि उनकी सरकार यूक्रेन को कुछ ज्यादा ही मदद कर रही है, बावजूद इसके कि ओवरसीज कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका ने अपने आप को दूर रखने का वादा किया था। नेचुरली हाल ही में हुए मिड टर्म इलेक्शंस में इस वॉर का बढ़ता कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन के सामने आया, और ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और फॉक्स न्यूज होस्ट टकर कार्लसन जैसे राइट विंगर्स पुतिन के साथ सिंपथी जताते आए हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूरोप के लिए इस वॉर फंडिंग को कंटिन्यू करने में वॉर इंक्लूडेड इन्फ्लेशन, सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप, पब्लिक ऑपोजिशन और इनडिफरेंस को इफेक्टिवली टैकल करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में यूएस लेड नेटो के लिए किसी भी तरह का एस्केलेशन सिर्फ उनके मिलिट्री अलायंस ही नहीं बल्कि उनके डोमेस्टिक सिचुएशन के लिए भी एक खतरा बन जाएगा। इसीलिए यूक्रेन के चाहते हुए भी नेटो उसके ऊपर नो फ्लाई जोन इम्पोज करने में रिलक्टेंट है। एक्चुअली नो फ्लाई जोन एक डेजिग्नेटेड जियोग्राफिकल स्पेस है जहाँ कुछ स्पेसिफिक फ्लाइट्स का ऑपरेशन बैन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री प्लेन्स, और इस पर्टिकुलर मामले में रशियन मिलिट्री प्लेन्स। नो फ्लाई जोन को एस्टैब्लिश करने के लिए रशियन एयर डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो नेटो जेट्स के मूवमेंट को हैम्पर ना कर पाए। जाहिर सी बात है कि नेटो नो फ्लाई जोन अवॉइड करना चाहता है क्योंकि अगर इसे इम्पोज कर दिया गया तो रशिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजिस्ट करना मुश्किल होगा। रशिया जैसे न्यूक्लियर पावर के साथ किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यूरोप को भारी पड़ सकता है क्योंकि ये वॉर तब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। इन सब बातों को देखकर ये साफ पता लगता है कि कैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड इस वॉर के इनिशियल स्टेज में यूक्रेन को हर कदम पर बैक करता नजर आ रहा था, अब वही वेस्टर्न वर्ल्ड इस लॉन्ग गोइंग वॉर से अपना सपोर्ट खींचता नजर आ रहा है। वही वेस्टर्न वर्ल्ड जिसके प्रभाव में आकर कहीं ना कहीं यूक्रेन ने रशिया के साथ इतने इंटेंस वॉर में एंगेज होने का फैसला किया था, और अब जैसे जैसे यही वेस्टर्न वर्ल्ड खुद को इस वॉर से दूर करता जा रहा है, ज़ेलेंस्की की डेस्परेशन वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे सिनेरियो को देखकर ज़ेलेंस्की को ऐसा भी लगने लगा है कि रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे ये भी लगने लगा है कि शायद यूएसए और नेटो ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसे रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने को मोटिवेट किया और वो यूएस नेटो के स्ट्रैप में फंस गया है। दोस्तों, ग्लोबल रीजंस के साथ साथ ज़ेलेंस्की की बढ़ती फ्रस्ट्रेशन के कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। इन रीजंस में से एक है यूक्रेन का इंटेंस विंटर सीजन। दरअसल मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के मुताबिक विंटर के साथ साथ या तो ये जंग अपने करंट पेस में चलती रहेगी या फिर एग्जिस्टिंग फ्रंट लाइंस के आर पार हैवी आर्टिलरी की बरसात तक लिमिटेड हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन के लिए उसके स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव को मेंटेन करना एक क्रूशियल चैलेंज रहेगा, खासकर जब इन सर्दियों में उसके सामने सबसे बड़ा मसला है एनर्जी क्राइसिस। दरअसल अपने सेटबैक्स को काउंटर करने के लिए रशिया पिछले महीने से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से टारगेटेड अटैक कर रहा है, और अटैक्स का प्राइमरी टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज करेंटली इन अटैक्स के अगेंस्ट रशिया के एयर डिफेंस को बूस्ट करने में लगी हुई हैं, लेकिन यूक्रेन का 40% पावर ग्रिड ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी तेज सर्दियों में बिना पावर के यूक्रेन के लिए इस वॉर को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, ये एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन के कई टाउन्स और सिटीज आज भी सोवियत एरा सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, और नेचुरली रशिया के लिए ये प्रेफर्ड टारगेट्स हैं। इनफैक्ट क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे रशिया अपने अटैक्स इसीलिए कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि यूक्रेन नेगोशिएट करने के लिए राजी नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टॉक्स या सेटलमेंट के खिलाफ ज़ेलेंस्की का ये रेजिस्टेंस यूक्रेन के लिए भारी पड़ने वाला है क्योंकि वो ऑलरेडी आर्म्स एंड एम्युनिशंस की शॉर्टेज और एक क्रिपलिंग इकोनॉमी से जूझ रहा है। ज़ेलेंस्की की फ्रस्ट्रेशन का दूसरा डोमेस्टिक इशू है देश की रिड्यूस होती इकोनॉमी और तेजी से घटते देश के संसाधन। दोस्तों, ये सच है कि यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए खेरसोन एक मेजर विक्ट्री है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीने यूक्रेन के लिए चुनौतियों से भरे रहेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि रशिया को अंडरएस्टिमेट करना बेवकूफी होगी क्योंकि अभी भी वो ना सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रूप्स और कैपेबिलिटीज पजेस करता है बल्कि हैवी लॉसेस को भी बियर कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन के लिए आर्म सप्लाई और उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करना एक मेजर इशू बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी द्वारा सप्लाई किए गए 14 PZH 2000 सिस्टम्स
अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट एरर के चलते स्पेयर पार्ट्स का शॉर्टेज, जिससे होविट्ज़र्स का इफेक्टिवनेस कम होता जा रहा है। जर्मन मिलिट्री का मानना है कि हाई शूटिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से ये वेपन सिस्टम जल्द ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यूक्रेन के सोवियत एरा एयरफोर्स की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। एयरक्राफ्ट की कमी की वजह से हर प्लेन को ज्यादा स्टोरीज करनी पड़ रही हैं, जिससे वो जल्दी खराब हो रहे हैं। ऐसे में अगर वेस्ट से टाइमली एंड रिक्वायर्ड रिप्लेनिशमेंट्स नहीं आए तो ज़ेलेंस्की के लिए इस वॉर या नेगोशिएशंस के ऑप्शंस को रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ज़ेलेंस्की का मानना है कि सीज फायर की सिचुएशन रशिया के लिए ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन में उसके पोजीशन को सिक्योर करने का और न्यू अटैक्स कैरी आउट करने का मौका बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही 2014 में हुआ था जब डोनबास में फाइटिंग एंड करने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट के बाद रशियन और रशियन प्रॉक्सी फोर्सेस के कैप्चर्ड टेरिटरीज में अपना कंट्रोल मजबूत किया था। यही नहीं, रशियन मिलिट्री ने सीज फायर की आड़ में अपने आप को रीग्रुप और रीआर्म किया ताकि यूक्रेन पे फ्रेश अटैक्स लॉन्च किए जा सकें। इसलिए कीव को लगता है कि अगर वो अभी सीज फायर के लिए राजी हो जाए तो कुछ ऐसा ही होगा, जिससे रशिया को इस वॉर में एक एज मिल जाएगी। ऊपर से अगर यूक्रेन एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए मान जाए तो उसे अपने एंड से कुछ कंसेशंस भी देने होंगे, जिसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। इसलिए एनालिस्ट का मानना है कि अब ज़ेलेंस्की इस पूरे वॉर को लेकर डेस्परेट होते जा रहे हैं। लेकिन रशियन मिलिट्री थ्रेट के अलावा भी यूक्रेन का एक लार्जर प्रॉब्लम है, और वो है उसकी गिरती इकॉनमी। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के मुताबिक इस साल के सेकेंड क्वार्टर तक अनएम्प्लॉयमेंट 35% तक पहुंच गया था। जहां 2020 में पॉवर्टी रेट 2.5% था, वो अगले महीने तक 25% हो जाने के चांसेस हैं। और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है कि इस साल के एंड तक यूक्रेन की जीडीपी 35% तक श्रिंक कर जाएगी। एस्टिमेट्स के मुताबिक यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने में करीब $349 बिलियन से $750 बिलियन तक लग सकते हैं। हालांकि और भी फ्यूचर डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के लिए यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे फाइनेंशियल एड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली तब जब वेस्टर्न कंट्रीज खुद इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। और अगर शायद नहीं भी जूझ रहे होते हैं तो यूएसए का या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का यूक्रेन को रीस्टैब्लिश करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अभी भी जो मेजर हेल्प वेस्ट के द्वारा करी जा रही है, उसका मेन मुद्दा यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा रशिया को काउंटर करना है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में वो कैसे रिड्यूस होते रिसोर्सेज, रिड्यूस होते इकोनॉमी, रिड्यूस होते आर्म्स एंड एम्युनिशन, रिड्यूस होते वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट, इंक्रीज होते वॉर एक्सपेंसेस, इंक्रीज होती एनर्जी डिमांड, इंटेंस होती विंटर्स और इंटेंस होते रशियन अटैक को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। बहरहाल अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस ऑनगोइंग वॉर का नेक्स्ट ट्विस्ट क्या होने वाला है। क्या ज़ेलेंस्की इन डेस्परेशंस को ओवरकम कर यूक्रेन को वॉर में अपर हैंड दिला पाएंगे? इसके चांसेस बहुत कम हैं। या फिर उनका ये डेस्परेशन यूक्रेन की डिफीट का कारण बनेगा? तो इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द चांसेस ऑफ अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।